News that's coming in. It's the Vice President Jagdeep Dhankar who's had a veiled attack on Rahul Gandhi. Dhankar said some people encourage anti-India forces. Some netas do not believe in the Sanatan Dharma. Some even sit with anti-Indian forces when they go abroad. This is a veiled attack that the Vice President of the country, Jagdeep Dhankar, has taken at Rahul Gandhi. Jagdeep Dhankar has said some people encourage anti-India forces to work against the country. Some netas do not even believe in Sanatan Dharma. And some people go abroad and sit with those people who have anti-India sentiments. मुझे चिंता होती है कि लोग इतना मादा कहां से लाते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे तो राष्ट्र की इच्छा नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, ना समझी के पुरुषायक है वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज सीखी नहीं होनी चाहिए। यह समय चुप रहने का नहीं है, यह शताब्दी का महत्वपूर्ण पड़ाव है, यह शताब्दी भारत की है, यह शताब्दी सनातन धर्म की भूमि की है, यह शताब्दी विश्व केंद्र बनेगा। हजारों साल पहले जब हम थे वहां, वी आर ऑन वे टू रिगेनिंग। इतिहास में देखिए, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस वर इन इंडिया। नालंदा, तक्षशिला, नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, वो कैसे खत्म हुई थोड़ा देखिए।